दोपहर के 1 बजे के करीब मेरी नींद खुली, उसके तुरंत बाद चल छैया छैया पे नहीं माइकल जैक्सन के गाने पर डांस किया, डांस का टीवी नहीं कर पाया, काश पड़ जाए मुझसे छाया। अब इतने ड्रामे के बाद मुझे तो नहीं गाय को प्यास लग चुकी थी, वो क्या है ना उन्होंने मेरा गंदा डांस देख लिया था, फिर ना ही मैंने जस्टिन का गाना खराब किया और ना ही माइकल के डांस स्टेप, सीधे जाकर गाय को पानी पिलाया है। पानी पिलाने के बाद बिना यहाँ वहाँ की बातें किए मैंने सीधा गाय को घास दिया, फिर मैं क्रिश से लेकर स्पाइडरमैन बन गया। पर फिर रास्ते में आई बाधा, मैंने भी गुस्से में कहा हमसे जो टकराएगा चूर चूर हो जाएगा। अब मैं निकला काम पे बिना सोचे समझे, हाँ दिमाग में 2 बार गर्लफ्रेंड बनाने का ख्याल आया था, पर फिर काम याद आ गया और पापा की मार भी। हाँ रास्ते तो गंदे थे ही मेरी शक्ल की तरह, पर स्टिल वो कहते हैं ना कि अगर तुम किसी चीज को शिद्दत से चाहो तो पूरा एजुकेशन सिस्टम तुम्हें उससे मिलाने की साजिश में लग जाता है। यहाँ पर वो चीज बोझा थी और उसे उठाते उठाते मेरे तो उड़ गए तोते और कबूतर भी। अब मैं बिना जिम की फीस दिए ही और जैसे मेरी शादी को हुआ है अरसा, वैसी शक्ल बना के घर की तरफ बरसा। घर तक पहुंचना तो मुश्किल था ही, गवर्नमेंट जॉब लगने जैसा, काश मेरे पास होता खुला पैसा तो मैं जी पाता जैसा कैसा। घर पहुंचते ही दिल दिमाग और गले, मतलब 3 इडियट्स को ही प्यास लग गई, इसीलिए मैं सारी उम्र मर मर के नहीं पानी पी पी कर जिया। शाम होते ही शक्तिमान बनना जरूरी था क्योंकि कपड़े जो बदलने थे, अब किस्मत और बीबी तो नहीं बदल सकता। फिर होती है एक नई शादी, नए काम की शुरुआत। मैं एक्साइटेड तो था नहीं, नर्वस भी नहीं था, पर काम तो करना था ही, इसीलिए खुद की शक्ल को इग्नोर किया, पापा की परी की रिक्वेस्ट को भी वेट पर रखा और लग पड़ा दूसरी शादी दूसरे काम की तैयारी में। मैंने तब तक काम किया जब तक खूबसूरत चुड़ैल ना नजर आ जाए, चुड़ैल तो नजर आई नहीं तो मैं भी घर की तरफ 9-2-11 हजार हो गया। घर पहुंचते ही मैंने बिना चुड़ैल के ही नाश्ता किया, 2 गुलाटी लगाई और फिर चुड़ैल के इंतजार में बाहर ही सो गया। झलक दिखला जा एक बार, आ जा आ जा।